देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के खिलाफ बरेली में नवनिर्वाचित प्रधान की गोली मारकर की हत्या। बताते चलें कि कैंट क्षेत्र के परिगमा गांव के चुनावी रंजिश के चलते नवनिर्वाचित प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरेआम हुई वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पहली बार प्रधान का चुनाव जीते इस हक पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। वहीं पुलिस मौके पर छानबीन में जुटी। थाना कैंट के अंतर्गत ग्राम परगावा के नव निर्वाचित प्रधान जो 32 वर्ष के हैं मोहम्मद इशाक, आज शाम को वादी के द्वारा बताया गया है कि चार लोगों के द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा घटना लोगों को गिरफ्तार करने के लिए टीम लगा दी गई है। चार लोगों में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, मोहर सिंह को, और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहा है। मृतक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इसमें जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध की जाएगी।